इरवाई आओ आओ सुनो कहानी जहाँ है डरपोक राजा, बहादुर रानी और उड़ती मछली और तैरती शेरनी। आओ आओ सुनो कहानी जब माँ को पता चलता है कि मुखिल को बुखार है, वो उसे अस्पताल ले जाती है। चलिए मुखिल के साथ चले, जो पहली बार अपने खून की जांच करवा रही है। कहानी का शीर्षक है मुखिल का रक्त रंजित अभियान। ओरिजिनल स्टोरी मुखिल्स ब्लडी एडवेंचर बाय कन्नल अच्युतन। हिंदी में अनुवाद किया है नागराज राव। चित्र बनाए हैं तन्वी नाबर। कहानी पब्लिश की है प्रथम बुक्स। कहानी सुना रही है असावरी दोषी। और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.booksthatspeak.com। चलिए मुखिल के साथ चलते हैं ब्लड टेस्ट के लिए। मुखिल दिन भर बिस्तर पर पड़ी रही, उसे बुखार है। वो बहुत ही थकी हुई है, मगर उसके दिमाग में कई सवाल चक्कर काट रहे हैं। क्या कल गणित का इम्तिहान ना देने के लिए अम्मा को वो राजी कर पाएगी? क्या वो थकावट के कारण दोस्तों के साथ खेल पाएगी? ये कमरा इतना ठंडा क्यों महसूस हो रहा है? अम्मा कटोरी में चावल का मांड लेकर आई। अम्मा को जरा चिंता हुई तो उन्होंने उसका तापमान देखा। बाप रे बाप, 102 डिग्री। मुखिल का शरीर गर्म है पर उसे ठंड लग रही है। क्यों ना तुम्हारे रक्त की परीक्षा करवाई जाए, अम्मा ने कहा, यानी कि ब्लड टेस्ट। मुखिल घबरा गई। रक्त की परीक्षा? मगर मैंने तो किसी परीक्षा की तैयारी नहीं की है। अम्मा को हंसी आ गई। अरे पगली, ये वैसी परीक्षा नहीं है। बस डॉक्टर तुम्हारा थोड़ा सा खून निकालेंगे और माइक्रोस्कोप से उसकी जांच करेंगे। मगर मेरा सारा खून निकल जाए और मैं खोखली हो जाऊं तो? मुखिल घबरा गई। अम्मा बोली, तुम चिंता मत करो, एक वयस्क के शरीर में कम से कम 5 लीटर खून होता है। तुम छोटी हो पर तुम्हारे शरीर में भी कम से कम 3 लीटर खून होगा ही, जो करीब 600 चम्मच के बराबर है। डॉक्टर को तो केवल कुछ बूंद खून की ही जरूरत पड़ेगी। दोपहर में मुखिल की आंख लग गई तो उसे ऐसा लगा जैसे सफेद लबादे में एक भूत उसका खून चूसने को आगे बढ़ रहा है। ये लंबे लंबे दांत थे उसके, हा 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 हा। अचानक आंख खुली तो अपने आप को एकदम ठंडा और पसीने से भीगा हुआ पाया। उफ, क्या सपना था। शाम को अम्मा और मुखिल एक क्लिनिक गए। वहां मुखिल ने एक नर्स को, जिसके हाथ में एक रबड़ की रस्सी सी थी, अपनी ओर आते हुए देखा। मुझे बांधेगी क्या रस्सी से? डॉक्टर को हंसी आ गई। नहीं, ये तो बस एक टोर्नीके है, बैठ जाओ और अपने बाएं हाथ की मुट्ठी कस के बंद कर लो। नर्स ने मुखिल की बाईं बाह पर टोर्नीके बांध दिया। इस रस्सी के बांधने से खून निकालने में आसानी होगी, नर्स बोली। नर्स ने फिर एक सिरिंज निकाला और कहा, बस इसमें कुछ ही सेकंड लगेंगे। सुई देखते ही मुखिल कुर्सी से उछल पड़ी। मुखिल, तुम्हें बहादुर बनना होगा बेटा, अम्मा ने कहा। तब मुखिल वापस कुर्सी पर बैठ गई और अपनी आंखें जोर से भींच ली। सुई अंदर घुसी। उफ, मुखिल ने अपनी एक आंख खोलकर देखा कि सिरिंज में खून भर रहा था, एकदम गहरा लाल। नर्स ने सुई को धीरे से खींचा और रुई का एक फाहा दबाकर रखा ताकि खून की बूंद को सोख ले। अपनी बाह को कोहनी पर मोड़ो और उसे कुछ मिनटों के लिए वैसे ही रखो, उसने कहा। बस हो गया क्या? मुखिल ने डॉक्टर से पूछा। उसे लगा कि इतना बुरा तो नहीं था। खून अब एक छोटी सी ट्यूब में था। हाँ, हो गया, जांच का नतीजा कल मिल जाएगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। प्रयोगशाला में तुम्हारे खून की जांच होगी
ये पता लगाने के लिए क्या सब कुछ ठीक है। घर जाते समय अम्मा ने मुखिल के लिए कुछ दाने चेरी मुरब्बे के खरीदे। उनका रंग भी खून की तरह गहरा लाल था। मुखिल उनको चट कर गई। अगले दिन अम्मा जांच के नतीजे लेकर घर आई। क्या मैं पास हो गई? मुखिल ने कुछ चिंतित सुर में पूछा। हाँ, अम्मा ने कहा, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें फ्लू है, बस तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मुखिल मुस्कुराई। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। जल्द से जल्द स्कूल जाकर अपने दोस्तों को बताना चाहती थी कि कैसे उसने अपनी पहली पहली रक्त परीक्षा पास की। बच्चों, यहाँ कहानी तो खत्म हो गई। अब देखते हैं रंग बिरंगा खून। मनुष्य और कई दूसरे जानवरों का खून लाल होता है, परंतु कुछ जानवरों के खून का रंग अलग भी होता है। क्या आपको मालूम है कि झिंगूर और सी कुकुम्बर का खून पीला होता है? कुछ समुद्र में रहने वाले कीड़ों के खून का रंग हरा होता है और कुछ का बैंगनी। क्या आप ऑक्टोपस के खून के रंग का अनुमान लगा सकते हैं? लेकिन इसका जवाब तो मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगी। आपके खून का ग्रुप क्या है? क्या आपको पता है कि रक्त के प्रोटीन्स के अनुसार अलग अलग ग्रुप होते हैं? ये ग्रुप है ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी निगेटिव। आपके रक्त का ग्रुप क्या है? पता कीजिए कि क्या आपके दोस्तों के रक्त का ग्रुप अलग है? और ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला। कहानी खत्म। मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।